एम्बुलेंस अभी तक आई नहीं है, ये तो हमारे हमारे जीएम साहब है वो आए अपनी गाड़ी लेकर उनको लेके गए, वरना एम्बुलेंस का कोई हाल नहीं है। रोडों का हाल आप देख रहे हो, तार आपके सामने कैसे लटक रहा है। अगर इस तरह तार रहेंगे तो इस तरह तो नहीं चल सकता यार, ना हुकूमत को हमारी कोई फिक्र है, ना किसी और को, ना एम्बुलेंस आ रही है, ना बंदा मर रहा है बंदा यार। पहले तार में अटके फिर ये गिरे, और गिरने के बाद इन पे वैन चढ़ गई है। तारें एक साल हो गया, तारें अभी तक ठीक नहीं है, क्यों? क्या कहेंगे इंतजामिया को, क्या कहेंगे? इंतजामिया तो किसी काम की नहीं, अपने वोटों के लिए आ जाते हैं, यहाँ पर तारें नजर नहीं आ रही उन्हें। सर बताइए अभी यहाँ क्या वाक्य पेश है? सर यहाँ पे गुजर रहे थे वो तार अचानक से अलजीआर वो खम्भे में लग के गिरे उनके, और ऐसे डेढ़ घंटे से पड़ी है। पुलिस को फोन किया, किसी ने कोऑपरेट ही नहीं करा, अभी भी उनके ऑफिस वाले गाड़ी में डाल के लेके गए हुए, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये तारें देखें आप, वाकया यहाँ पे। अच्छा ये बताएं एनी शाहिदीन यहाँ पे कोई, ये दिखाएं खून, खून दिखाओ, ये देखें ये ब्लड यहाँ पे मौजूद है जहाँ पर जो है। सर आप थे जिस वक्त ये हादसा पेश आया? सर जिस वक्त हादसा पेश आया आप थे? यहाँ कोई था नहीं यार, हम लोग तो ऑफिस से बाद में आए। क्या क्या वाकया क्या पेश आया ये मालूम नहीं, हमें तो खुद ये पता। पहले तार में अटके फिर ये गिरे, और गिरने के बाद इन पे वैन चढ़ गई है। वैन चढ़ी है इन पर? ये मेरे साथ भी हो चुका है पिछली दफा, तारें एक साल हो गया, तारें अभी तक ठीक नहीं है, क्यों? अब पहले मैं मरते मरते बंदा मर रहा है, अब ऐसे ही तारें छोड़ी हुई हैं, किसी को नजर नहीं आता। ये आपकी कंपनी में काम करते? हमारी कंपनी में काम करते हैं, यहाँ पे हमारी नवीना इंडस्ट्रीज में काम करते हैं ये। क्या कहेंगे इंतजामिया को, क्या कहेंगे? इंतजामिया तो किसी काम की नहीं, अपने वोटों के लिए आ जाते हैं, यहाँ पर तारे नजर नहीं आ रही उन्हें। क्या वो एक्सपायर हो चुके हैं या क्या लगता है? जिंदा थे, अभी सांस जिंदा है उनकी। एम्बुलेंस आई नहीं है, एम्बुलेंस अभी तक आई नहीं है, ये तो हमारे हमारे जीएम साहब है वो आए अपनी गाड़ी लेकर उनको लेके गए, वरना एम्बुलेंस का कोई हाल नहीं है। रोडों का हाल आप देख रहे हो, तार आपके सामने कैसे लटक रहा है। अगर इस तरह तार रहेंगे तो इस तरह तो नहीं चल सकता यार, ना हुकूमत को हमारी कोई फिक्र है, ना किसी और को, ना एम्बुलेंस आ रही है, ना बंदा मर रहा है बंदा यार, हद हो गई, बंदा मर रहा है। उनको बोले इससे तारों को कुछ करवाएं कम से कम, ये तारे जो ना बहुत खतरनाक है, यहाँ अक्सर तारों से ही एक्सीडेंट होते हैं। कहना क्या है यार, ये देखना चाहिए गवर्नमेंट को, किसी को भी देखना चाहिए हालत। देखे तरह ये दूसरी मरतबा हुआ, ये सब कुछ पहली मरतबा थोड़ी है, अब ये दूसरी मरतबा हुआ था, ऐसा हादसा हुआ कि अल्लाह माफ करे, बहुत बुरी हालत है, इसकी सांस चल रही है बिल्कुल। अभी लेके गए हॉस्पिटल, देखते हैं क्या होता है, जा रहे हैं हॉस्पिटल। सर क्या कहेंगे? ये केबिल के तार वार निकलवाए यहाँ से, मैं भी दो एक दफा बच्चा हूँ, हमारे अभी दो तीन बंदे बच चुके हैं, गले में फंदा लग चुका हमारे भी, लोगों ने पकड़ा था, ये ना अजाब बना हुआ है केबिल के हमारे यहाँ पर, इनको हटवाओ भाई। इंतजामिया को क्या कहेंगे? अब मैं तो बंदे के पास जा रहा हूँ अस्पताल में मेरा भाई। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो मैं इस वक्त शारे फैसल पर मौजूद हूँ, अवामी मरकज के बिल्कुल सामने सर्विस रोड पर। यहाँ पर जो है अब से कुछ देर पहले एक हादसा पेश आया, एक साहब बाइक पर यहाँ से जा रहे थे तो वो इन तारों से अटके और वो फिर गिरे, और आई थिंक उन पर वैन वगैरह चढ़ गई, तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी उनकी। अब वो जख्मी हालत में जो है वो काफ़ी देर वो शख्स यहाँ पर तड़पता रहा जख्मी हालत में, और बहुत बुरी कंडीशन थी वो, मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। वो एम्बुलेंस जो है यहाँ पर नहीं आई, एम्बुलेंस को कॉल करते रहे, एम्बुलेंस नहीं आई, यकीनी तौर पे ये इंतज़ामिया की गफलत है। तो बाद में प्राइवेट तरीके से जो है वो उनको हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया गया। दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जो है वो ज़िंदगी अदा फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।